तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को किस तरह से वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी यानी वेतन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो से जुड़े रहिए। अगर दोस्तों आप भी एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, आपके इस सवाल का जवाब लेकर हम अपने इस वीडियो में आए हैं। हम आपको बताएंगे कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को किस तरह से सैलरी दी जाती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी के बारे में। चलते हैं दोस्तों वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। आइए चलिए दोस्तों, जान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर को शुरुआत में 30,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी आपको हर महीने मिलती हैं। इसके अलावा आप किसी बड़े कंपनी में नौकरी लगती है तो आपको बहुत आकर्षक पैकेज मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर नौकरी में जब आप सीनियर पोस्ट में पहुंच जाते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति माह तक हो जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको इनकी सैलरी के बारे में बता दिया है। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी मदद मिल सके। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।